था सर, जैसा कि छोटा सा तारुफ आपको कराया गया हमारा हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से, तो महफिल कवाली में कौल की भी बड़ी अहमियत है। पेश खिदमत है, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली अली Gotta get it, pop, 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 pop.
सामान ले गई मुझे बाजार ऐसे नशे वो फराज आ जाते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है किसी बंदे के आगे हाथ फैलाने। क्या ये दुरुस्त है? कभी कभार ऐसा होता है, सौ बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी मगर हर बार मैंने अपना दीदा बचा लिया, हर बार मैंने अपना दीदा बचा लिया। इबादत का सरंजाम हुआ आइन से आइन इबादत
लहमी कहे जिसको नबी मन कुन को मौला लहम का लहमी नबी का वो वसी अल मुख्तसर यूं भी है और यूं भी नबी का वो वसी अल मुख्तसर यूं भी है और यूं भी जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में दरे खैबर उखाड़ा जोर आवर ऐसे होते हैं 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 दरे खैबर का वाकया तमाम लोगों को मालूम है इस्लाम का एक बहुत बड़ा बाब है उस दरे खैबर को फतेह करने के लिए बहुत सारे सहाबा के हाथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज का अलम दिया और सबने कोशिश की पूरी करी मगर एक दिन सरकार ने फरमाया कि कल मैं जिसके हाथ में लश्कर का झंडा दूंगा तो वो दरे खैबर को ऐसे फतेह कर तो मैंने वो किया ना कि वो दरे खैबर यूं नहीं है वो दरे खैबर उखाड़ा जोर आवर ऐसे होते हैं दरे खैबर उखाड़ा जोर आवर ऐसे होते हैं दरे खैबर में ये बड़ा मशहूर वाकया है कि उस खैबर को फतेह करने के सिलसिले में बहुत बड़ी चट्टान आ गई उस चट्टान को 10 लोग भी मिलकर 20 लोग भी मिलकर उसको अपनी जगह से उखाड़ नहीं सके उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उस चट्टान के करीब पहुंचे और रस्सी से उसको बांध के उसको ऐसे उठा दिया जैसे जैसे किसी मामूली रुई के गाले को उठा दिया दरे खैबर उखाड़ा जोर आवर ऐसे होते हैं बहादुर सब सिकंजर और सफदर ऐसे होते हैं बहादुर सब सिकंजर और सफदर ऐसे होते हैं अली ने लगा फरमाइए खाज भाई अली ने सो के बदलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर अली ने सो के बदलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर अली ने मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है खुदा के नाम का बख्शे जली कहना ही पड़ता है खुदा के नाम का बख्शे जली कहना ही पड़ता है Thank you.